नमस्कार दोस्तों, जिशान अली चैनल में आज आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज की कहानी है हमारी गुड़गांव की। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। गुड़गांव का MG रोड, जहाँ सफ़ेद साड़ी में चुड़ैल गाड़ियों के पीछे भागती है। जी हाँ, गुड़गांव शहर का MG रोड गुड़गांव का सबसे सुनसान और भयानक रोड है। इस सड़क पर बहुत से लोगों ने सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत को देखा है जो कि दिखने में बेहद डरावनी लगती है। माना जाता है कि इंसान की अकाल मौत होने की वजह से उसका भूत बन जाता है, या फिर इंसान की कोई ख्वाहिश पूरी ना हुई हो तब भी उसका भूतिया साया दिखाई देता है। ऐसा ही एक भूत गुड़गांव के MG रोड में लोगों को अक्सर दिखाई देता है। इस सड़क पर ड्राइव करने वाले लोगों का मानना है कि उन्होंने कई बार इस सड़क पर सफ़ेद साड़ी पहनी एक औरत को देखा है जो कि गाड़ियों के साथ साथ भागती है। उसकी जीभ बहुत ही लंबी और बाहर की तरफ है और आंखें बहुत ही डरावनी हैं। कहते हैं कि इस औरत की मौत कुछ साल पहले इसी एरिया में हुई थी। आज की हमारी कहानी भी इसी रोड की है जो हमें दिल्ली से मयंक ने भेजी है। मयंक एक कैब ड्राइवर है जो दिल्ली और गुड़गांव के बीच सड़क पर कैब चलाता है। एक रात वह यात्री को गुड़गांव साइबर सिटी छोड़कर वापस आ रहा था। MG सड़क पर ड्राइव करते हुए रात के 12 बजे उसे सड़क के किनारे सफ़ेद साड़ी पहने हुए एक औरत दिखाई दी। पहली नज़र में मयंक ने इसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन उसके पसीने छूटने लगे जब उसने कार के साइड मिरर में उस औरत को गाड़ी का पीछा करते हुए देखा। मयंक ने तेजी से गाड़ी दौड़ाई। इस बार जब मयंक ने फिर साइड मिरर में देखा तो उसकी जान में जान आई, क्योंकि वह औरत पीछा छोड़ चुकी थी। साइड मिरर में कोई नज़र नहीं आ रहा था। मयंक ये समझ नहीं पा रहा था कि इतनी रात को भला सुनसान सड़क पर कौन औरत होगी, वह भी सफ़ेद साड़ी पहने हुए। मयंक ने जैसे तैसे हनुमान जी का नाम लेकर एक दो मिनट और गाड़ी चलाई, लेकिन फिर अचानक उसकी कार के आगे वो औरत आ गई। मयंक के होश उड़ गए। आखिर इतनी तेज गाड़ी चलाने के बाद वही औरत उसके सामने कैसे आ सकती है? इसी असमंजस में फंसे मयंक ने इस बार कार के फ्रंट डेक पर रखी हनुमान जी की छोटी मूर्ति को हाथ में लिया और बेहद तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने लगा। वह औरत उसकी गाड़ी के आर पार हो गई थी और मयंक ये समझ नहीं पा रहा था कि कैसे वह औरत गाड़ी के आर पार हो गई, और ना ही वह इस बात को समझना चाहता था। काफ़ी आगे चलने के बाद मयंक की जान में जान आई और उसे लगा कि अब उस औरत से पीछा छूट चुका है। और मयंक ने ये बात अपने साथी सभी ड्राइवर लोगों को भी बताई कि उसके साथ ये हादसा हुआ है। उसमें से कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और कई लोगों ने इस बात पर विश्वास भी किया, लेकिन खैर कोई भी हो, उसके बाद मयंक रात को उस रास्ते पर फिर दोबारा कभी नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही हॉरर कहानियाँ आप भी हम लोगों को भेज सकते हैं और उन कहानियों को हम अपने चैनल के द्वारा लोगों तक पहुँचाएँगे, और उनमें से जो अच्छी कहानी होगी उनको हम अपने चैनल के द्वारा दर्शाएंगे भी। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जिशान अली आपको फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ।